ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਪਹਿਲੇ ਡੁੱਬੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਏ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 8 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ HLP ਗਲੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੇਨ ਹਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਰਪਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਗਗਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਲਿਓ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ 6 ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 11 ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਰਪਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਗਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰਪਾਲ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। गगन नाम है उसका, गगन का। आपका नाम क्या? राम बाबू। हाँ जी, राम बाबू। राम बाबू, राम बाबू जी, हुआ क्या था? अरे वो एक आदमी इसमें गिरा हुआ था सीवर टैंक में, उसके लिए निकाल ली, बचाने के लिए, और जो आदमी थे ना उसके साथ, उसी के लिए उसने उन्होंने बोला था इसे कहना इसे निकाल ले, और वो लोग भाग गए, वो गिर गया तो उसके साथ ही पहले वाले गए, जो ठेकेदार वगैरह थे जिसके पास काम करता था वो। बहुत तो कुछ नहीं, हमें पता चला है। कौन सी कंपनी का काम चल रहा था? ये तो HLP का काम चल रहा है। अच्छा, तो उन्हीं के पास ही ये बंदे काम करते थे? और एक हम नहीं जानते कौन था वो, पहले से इसमें सीवर टैंक की सफाई कर रहा था और इसमें पड़ा हुआ था, उसने देखा यहाँ पे आके भीड़ लगी तो उसने कुछ एक और जो उसके साथ थे ना, उसने बोला इसे यहाँ निकालना है इसके लिए। तो आप लोग भी उसी कंपनी में काम करते हो? हाँ, भी करते हैं। तो इनको कोई सेफ्टी यंत्र नहीं वगैरह दिए जाते सफाई करने के? मैं सफाई वाला नहीं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, सफाई करवा रहे थे ये दूसरे बंदे थे बाहर के, वो लेकर आया होगा यहाँ पे। तो वो क्यों करवा रहे, कौन करवा रहा था सफाई? सीवर वाले साफ कर रहे होंगे, सीवर। अच्छा, सीवर साफ कर रहे होंगे ना, सीवर वाले। अच्छा, ये कंपनी वाले नहीं थे? नहीं, ये कंपनी वाला बंदा आए यहाँ देखने आए थे, उन्होंने उसने बोला होगा किसको इसमें डूब गया बंदा, गिर गया, उसको निकाल लो। मतलब कंपनी के पास काम नहीं करते थे, प्राइवेट ये कोई करवा रहा है? एक बंदा हमारा कंपनी में काम करता था, मेरा बंदा तो गिरा था उसमें, वो आया था, जो गिरा था वो कंपनी में काम कर रहा था, जो हरपाल है? नहीं, गगन है, गगन। गगन कंपनी में काम करता था, तो गगन बचाने आया था उसका, यही बात है ना? हरपाल गिरा हुआ था, गगन बचाने वो भी सारे भाग गया। पहले गटर में थे, कट्टे उट्टे उसमें से निकाल लेते, खत्म कर रहे थे। जब ये उधर से पानी पी के आया, उसके बाद में उनकी आवाज़ सुनाई दी, इसने रस्सी पकड़ाया, तो इसने हाथ में रस्सी लपेट के खींचने की कोशिश किया था, तब वो इनके उसके साथ में ये भी गिर पड़ा। इनका नाम क्या है दोनों का? इनका नाम तो गगन है, उनका नाम पता नहीं सर। हरपाल है उनका, हरपाल नाम। ये रहते कहाँ पे थे ये? किसका काम किसका चल रहा था बेटा? इधर देखो, हाँ जी, HLP का। HLP का कंपनी है कोई? HLP गलेरिया के नाम से बिल्डिंग बन रहा है, कंसोर्ट का काम करते हैं। अच्छा जी, तो गटर बना हुआ था, गटर में गिर गए? वो गटर सफाई, वो सफाई कर रहे थे गटर का। अच्छा, उनके बाद में ये उनको रस्सी डाला, हूँ बचाने गया था, तब वो खींचे नहीं क्योंकि उनका कट बाहर है। तो ये रहने वाले कहाँ के, कुछ पता चला? ये बिहार के रहने वाले। तो यहाँ कहाँ रहते थे ये? वहीं पे। तो किसी ये ठेकेदार के काम करते प्राइवेट किसी कंपनी? कौन सी कंपनी? ये तो ये है कहाँ पे है? ये 68 में। हाँ जी, 68 में, इंडस्ट्री एरिया में। अच्छा, जो बस स्टैंड के पास में कंपनी है। क्या नाम बताया कंपनी का? कंसोर्ट। HLP गलेरिया के नाम से मिल रही है, बिल्डिंग बन रही है। तो ये गटर में गिरे हैं ये? वो सफाई करने वाले। अच्छा, सफाई करने वाले। तो ये यहाँ कहाँ रहते हैं? ये वहीं पर रहते हैं। वहीं पर रहते हैं, पीछे बिहार के रहने वाले हैं? रहने वाले बिहार के। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? उमेश।
हमेशा आप उनके साथ ही काम करते हो? अच्छा, उसी कंपनी में काम करते हैं? अच्छा, मतलब उसी कंपनी में काम करते हो आप? प्राप्त जानकारी अनुसार गगन दे डुबन ते माल दी उसारी दा काम करवा रहा ठेकेदार मौके तो फरार हो गया अते उत्थे काम करदे मजदूरां वल्लों पूरे मामले दी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम ते दित्ती गई, जिस तो बाद मौके ते पहुंची अते पुलिस टीम वल्लों फायर ब्रिगेड नूं इस दी जानकारी दित्ती गई। इस दौरान पुलिस कंट्रोल रूम दी टीम वल्लों सीवरेज दी सफाई करन वाले दो व्यक्तियों नूं बुलाया गया, जिन्हां नूं पल्लों पैसे दे के गटर विच्चों लाशां नूं बाहर कढवाया गया। बाद विच मौके ते पहुंची फायर ब्रिगेड दी टीम वल्लों इन्हां लाशां नूं फेस 6 दे सिविल हस्पताल विच पहुंचाया गया। मृतकों दी लाशां बाहर कढ़न वाले व्यक्तियों राजपाल अते नरेश ने दस्या काम पे जा रहे थे, प्राइवेट काम पे बीच में पुलिस मिल गई हमें। वो हमसे कहने लगे, बोले कि ऐसा करो जी, आप मतलब ऐसी है दो बंदे गटर खोल लेते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा ठीक है जी। हमने वो हमें गड्डी में बैठा के ले आए, दो मशीन से लाश है, हम पीछे पड़ के दोनों बंदे गटर में, हमने लाश है दोनों निकलवा के सेव, हमने जी दोनों बॉडी निकाल के अस्पताल भेज दी। अच्छा, दोनों ही मशीन से खिंचवाई है और दोनों हम तो 10 फुट गहराई में जाके दोनों बंदे, हमारा कोई दांत दम घुट गया अंदर नहीं, उनके कोई सेफ्टी लगा रखी थी कुछ भी नहीं है। जब अंदर गटर के अंदर जब हम सर जी गए थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश है सर जी। तो कहाँ काम करते हो आप? हम जो सीवर का काम करते हैं, सीवर मैन का जी। सरकारी हो आप? प्राइवेट है जी। अच्छा, ठीक है सर जी। हमें पुलिस की गड्डी ने हमारे साइकिल पर सामान देखा, क्योंकि सीवर मैन है वो, पुलिस की गड्डी हमें यहाँ ले आई, दो बंदे गटर में गिर गए, उन्हें निकालो जी। हम जब गटर के अंदर घुसे रस्सी बांध के जेपीसी में, एक बंदा पानी के अंदर मुंह था, एक बंदा ऐसे दीवार से लगा हुआ के अंदर था। ठीक है सर जी, पाइप पे खींच के एक बंदे की रस्सी बांध के कमर में जेपीसी से ऊपर निकाला जी, खींच लिया बंदा, फिर दूसरा बंदा निकाला जी। अब ये पता ना बंदे को सरकारी थे ये प्राइवेट थे, हमें कोई पता नहीं। आप कंपनी के थे? तो जब आपने निकाला मर चुके थे दोनों? मर चुके थे दोनों। हमारा जो काम हुआ था पुलिस कस्टडी में हुआ है ये काम। हाँ, पुलिस की कस्टडी में हुआ, पुलिस की निगरानी। तो कंपनी वालों ने आपकी कोई सहायता नहीं की? कोई सहायता नहीं की सर जी। और जो कंपनी के है या बाहर के थे बंदे वो पता नहीं जिंदा है या मर गए, हमने तो अस्पताल ले गए। वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा, जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे जो गिरे हैं, कंपनी का बता रहे हैं जी। और एक बंदा बाहर का बता रहे हैं। नहीं, कंपनी वाले कोई बंदे आए आपकी सहायता करने? वाले बंदे आए जी सेफ्टी के लिए, बाद में उन्होंने निकालने के लिए सहायता की कि नहीं? कोई उन्होंने कोई सहायता नहीं करी, हमने पुलिस ने निकलवाई। बॉडी डाल रखी थी नीचे और घुसने के लिए कोई कंपनी का बंदा तैयार नहीं था। लैंड जो डूंगी लैंड है उसमें दंडल। कहाँ रहते हैं आप लोग? आप लोग कहाँ रहते हैं? 70 रहते हैं जी। मटोर पिंड। मटोर, आप भी मटोर पिंड? हाँ जी। थाना फेस 8 दे SHO राजीव अरोड़ा ने संपर्क करन ते दस्या कि पुलिस वालों मृतक व्यक्तियों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है अते मृतकों के परिवार वाले दे बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिन्हां के आधार ते बनती कार्रवाई अमल में लिया जाएगी। स्काई हॉक टाइम्स की रिपोर्ट।